स्वागत है दोस्तों आपका एन के क्लासेस में। आज हम जो हमारे बचे दो इलास्टिक कांस्टेंट है वो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ लिए थे, पहला था हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दूसरा था पॉइजन रेशियो। सो इस वीडियो में हम जो बचे हमारे दो इलास्टिक कांस्टेंट है वो पढ़ेंगे। सो थर्ड है हमारा बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये भी कांस्टेंट होता है हर मटेरियल के लिए और ये रेशियो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो जो आपका बल्क मॉडुलस है वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम के से डिनोट करते हैं। सो के इज इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, के इज इक्वल्स टू सिग्मा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल बी बाय वी। तो जो हमारा के वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल बी बाय वी, वेयर सिग्मा इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड डेल बी बाय वी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम एक रिलेशनशिप डिराइव करते हैं ई के और न्यू में। जो हमारा ई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है और पॉइजन रेशियो होता है, उनके बीच में हम एक डेरिवेशन करते हैं। हमको पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितनी होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई इनटू वन माइनस टू न्यू। ये हमने पिछले वीडियो में डिराइव कर रही है, सो आप वहां पे जाके इसको देख लीजिए। अब अगर हम जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड है इसको हम सिग्मा कंसिडर करते हैं तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितना हो जाएगा, थ्री सिग्मा बाय ई इंटू वन माइनस टू न्यू। अब ई को उधर ले जाते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को नीचे लाते हैं तो हमारा जो ई है वो कितना हो जाएगा, थ्री सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू वन माइनस टू न्यू। अब जो हमारा के है वो क्या है, सिग्मा बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां पे जो सिग्मा बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं क्या, के। सो ये हमारा हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू थ्री के इंटू वन माइनस टू न्यू। तो ये हमारा तीनों के बीच में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया कि E इक्वल्स टू कितना होता है, थ्री के इंटू वन माइनस टू न्यू, वेयर E इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, K इज बल्क मॉडुलस एंड न्यू इज पॉइजन रेशियो। अगर हम K की यूनिट की बात करते हैं गाइस, तो K की यूनिट वही होती है जो कि E की होती है, क्योंकि यहां पे जो आपका न्यू है वो कॉन्स्टेंट है। तो K इज सेम यूनिट एज डेट ऑफ इलास्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो K की भी यूनिट कितनी हो जाएगी गाइज, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से हम E, K और न्यू में डिराइव कर सकते हैं एक रिलेशनशिप जो कि हमारा आता है E इक्वल्स टू थ्री के वन माइनस टू न्यू। इसमें हमको बस एक चीज देखना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होती है, तो जो कि होती है सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाय E इंटू वन माइनस टू न्यू। तो उससे हम इन तीनों के बीच में क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं रिलेशनशिप का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये हमेशा डिराइव करने को आता है और डिराइव करने को नहीं आता है तो इसके एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ ये हमारा थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट था, अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ। जो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये हमारा फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है और ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन। तो ये शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है और ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। अब इसको डिनोट हम सी और जी से करते हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं और जी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो शियर मॉडुलस कैसे डिफाइन होगा, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। अब जी शियर स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ, और शियर स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, फाई। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी वही यूनिट होती है जो ई और के की होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारे चारों इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, ई के जी एंड न्यू। तो गाइज ये हमारे चारों इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। अब हम जी ई और न्यू में रिलेशनशिप डिराइव करते हैं।
सो रिलेशनशिप बिटवीन ई जी एंड न्यू. तो देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. सो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ब्लॉक कंसीडर करते हैं और वो जो स्क्वायर ब्लॉक है उसमें हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं टाउ. तो उस टाउ के कारण ये जो ब्लॉक है ये 5 डिग्री डाइवर्ट हो जाता है और ये 5 क्या होता है हमारा शियर स्ट्रेन. सो इस शियर स्ट्रेस के कारण क्या आती है शियर स्ट्रेन आती है. अब यहां पे देखिए ये ए बी सी डी ब्लॉक है तो जब हमने शियर स्ट्रेस लगाया तो ए कहां पे चला गया ए वन पे. अब हम एक ऐसा प्रोजेक्शन लेते हैं ए टू जो कि आपका ए टू सी और ए सी क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो ये हम एक प्रोजेक्शन लेते हैं. अब हम स्ट्रेन लिखते हैं डायगोनल ए सी पे तो स्ट्रेन ऑफ डायगोनल ए सी कितना आ जाएगा हमारा देखिए इधर ए वन सी माइनस ए सी क्योंकि जो इलोंगेशन हुआ है वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी ए सी तो ये अपना क्या आ गया ए वन सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए सी. अब ए टू सी भी लिख सकते हैं इसको ए सी को तो ए टू सी लिखा तो बचेगा क्या ए वन ए टू तो ये हमारा क्या बच गया यहाँ पे ए वन ए टू डिवाइडेड बाय क्या आ गया ये ए सी. अब हमारे पास ये दो एक ये ट्रेंगल है और एक हमारा ट्रेंगल हो जाएगा ए डी सी ए तो ए डी सी ए ट्रेंगल हो गया और एक ट्रेंगल हो गया हमारा ए ए वन ए टू. तो यहां पे जब हम ज्योमेट्रिक लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर ब्लॉक है तो जब हम ज्योमेट्रिक लगाएंगे तो ए वन ए टू इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए ए वन कोस 45 तो कोस 45 की डिग्री कितनी होती है 1/√2 तो ये हमारे पास आ गया ए ए वन बाय रूट टू. जैसे इस डायरेक्ट इस ट्रेंगल में हम लगा सकते हैं तो ए सी ये यहां पे आपका ये डायगोनल है ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बाय साइन 45 डिग्री साइन 45 1/√2 होता है तो वो ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका रूट टू ए डी. नाउ ये जो ए सी और ए वन ए टू की वैल्यू है हम यहां पे पुट कर देंगे तो जब हम वहां पे पुट करेंगे तो आपका स्ट्रेन ऑफ डायगोनल ए सी कितना आ जाएगा ए ए वन डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू रूट टू ए डी और रूट टू कितना हो जाएगा आपका 2 और ये आपका कितना है 5 है. अगर आप डायग्राम से देखोगे तो 5 कितना हो जाएगा देखो इधर ए ए वन डिवाइडेड बाय ए डी तो यही आपका क्या है 5 है तो उसको हमने क्या लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 2. अब अगर आप टोटल स्ट्रेन ऑन डायगोनल ए सी लिखोगे तो टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ ए सी प्लस टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ बी डी क्योंकि दोनों डायगोनल के कारण उसमें स्ट्रेन आएगी. अब एक तो लॉन्गिट्यूडनल आएगी और एक क्या आएगी लेटरल आएगी. तो लेटरल का हमको पता है कि हम कैसे लिखते हैं लेटरल का हमको पता है हम कैसे लिखते हैं न्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो 5/2 ये हमारी स्ट्रेन हो गई इजिकल्स टू टाउ बाय ई प्लस न्यू इंटू टाउ बाय ई. टाउ बाय ई कॉमन लेंगे तो टाउ बाय ई कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/(n). अब ई को हम उधर पहुंचाएंगे 5 को नीचे पहुंचाएंगे तो ये क्या बन जाएगा टाउ बाय 5 इंटू 1/(n). और टाउ बाय 5 कितना होता है हमारा जी यही क्या होता है हमारा शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो आपका जी कितना हो जाएगा टाउ बाय 5. तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया ई इज इक्वल्स टू 2g 1/(ν). तो हमारे पास दो रिलेशन होते हैं एक होता है हमारे पास ई 2g 1/(ν) और दूसरा होता है हमारे पास ई इज इक्वल्स टू 3k 1-2 ν. सो गाइस दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने दोनों के डेरिवेशन देखे कि कैसे हम दोनों को डिराइव कर सकते हैं. नाउ अब हम इन रिलेशंस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए बार ऑफ 30 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 60 kN. द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन लेंथ 200 mm इज 0.1 mm एंड चेंज इन डायमीटर इज 0.004 mm. कैलकुलेट हमको चारों जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो हमको निकालना है. सो हम सबसे पहले यहां पे क्या लिख लेते हैं गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है. सो हमारे पास डायमीटर कितना गिवन है 30 mm. उसके बाद जो हमको पुल दे रखा है फोर्स जो दे रखा है वो हमारे पास 60 kN है. इसको हम न्यूटन में कर लेते हैं गाइस. उसके बाद आपको जो लेंथ गिवन है वो आपको कितनी गिवन है 200 mm और जो आपको इलोंगेशन गिवन है वो कितना गिवन है 0.1 mm. उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका चेंज इन डायमीटर है मतलब आपको डेल डी कितना गिवन है गाइस 0.004 mm. तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि आपका
डी कितना है, पी कितना है, एल कितना है, डेल्टा एल कितना है और आपका डेल्टा डी कितना है। अब सबसे पहले हम स्ट्रेस निकाल लेते हैं, तो स्ट्रेस क्या होता है आपका पी बाय ए, सो स्ट्रेस पी बाय ए हो गया। तो 60,000 आपका कितना दे रखा है, पी दे रखा है और एरिया कितना गिवन है, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे स्ट्रेस निकालोगे तो स्ट्रेस आ जाएगी आपकी 84.87 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो गाइज ये आपकी क्या आ गई, स्ट्रेस आ गई। अब हम स्ट्रेन निकालेंगे, तो स्ट्रेन क्या होता है आपका डेल एल बाय एल, डेल एल आपको कितना गिवन है 0.1 एमएम, तो वो हो जाएगा आपका 0.1, डेल एल कितना हो जाएगा आपका 0.1 और आपका एल कितना हो जाएगा गाइज 200 एमएम। तो आप जब स्ट्रेन निकालोगे तो स्ट्रेन कितनी आ जाएगी आपकी 0.0005। अब आपको एक चीज पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो सिग्मा आपको है 84.87 डिवाइडेड बाय 0.005। सो गाइज आपका ई कितना आ गया 1.69 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया गाइज, ई आ गया। अब हम पॉइजन रेशो निकालते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट जो हमको निकालना था यंग्स मॉडुलस वो हमने निकाल लिया। सेकेंड हमको निकालना है न्यू, तो न्यू कितना होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन कितनी होगी डेल डी बाय डी और ये कितना होगा डेल एल बाय एल। सो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0.004 डिवाइडेड बाय आपका डी कितना है 30 और डेल एल बाय एल की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 0.005, तो वो हम पुट कर देंगे तो आपका पॉइजन रेशियो आ जाएगा 0.266। सो यहाँ पे हमने दोनों के लिए निकाल लिया ई और न्यू। अब हमको निकालना है के एंड जी, तो के और जी हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जो हमको रिलेशन गिवन है, तो पहला रिलेशन होता है हमारे पास ई इक्वल्स टू 3K1-2 न्यू। सो आपका ई है 1.69 इंटू 10 के पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू के इंटू 1-2 इंटू 0.266। तो गाइज यहां से आपका किया जाएगा 1.209 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आपके पास एक और रिलेशन है जी निकालने के लिए, तो 2G1+ न्यू, तो आप ई रखेंगे इक्वल्स टू 2 इंटू जी और न्यू की वैल्यू रखेंगे 0.266, तो यहां पे आप क्या निकाल सकते हैं जी, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.69 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.1.66। सो वापिस कर लेते हैं, सो ये आ गया आपके पास 0.66 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो गाइज इस तरीके से हम चारों इलास्टिक कांस्टेंट जो हमारे हैं ई के जी एंड न्यू वो फाइंड कर सकते हैं। हमने दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल लिए कि ई और के और जी और न्यू के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं, दो रिलेशनशिप हमने डेराइव करे और एक न्यूमेरिकल सोल्व करा है जिसमें हमने चारों कॉन्स्टेंट फाइंड करे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।